एंटी करप्शन कमेटी ऑफ इंडिया ने चित्रकूट पुलिस के सहयोग से नियमन जिंदगी पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कई स्कूलों से आए बच्चों ने सड़क सुरक्षा को लेकर रोचक नाटक की प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम के दौरान स्कूलों और ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया। बच्चों को जागरूकता नाटक के लिए प्रमाण पत्र दिए गए। संस्था ने कार्यक्रम में शामिल जिला पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मौजूद पत्रकारों द्वारा कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने के लिए यातायात स्मृति चिन्ह भेंट की गई। जिला पुलिस के आला अधिकारियों के साथ व्यापारी संगठन सहित पत्रकारों ने उपस्थित लोगों से यातायात जागरूकता की अपील की। चित्रकूट से जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, छात्र देश का भविष्य है और इसे ज्यादा लोग स्कूल कॉलेजेस में ध्यान दे रहे हैं कि वो आगे देश के भविष्य ही आगे बड़े होने वाले हैं और आगे जाके ये गाड़ियाँ व्हीकल्स चलाएंगे। इसलिए उनमें अगर जागरूकता की बात पैदा की जाए तो आगे वो किसी को भी नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी सीख मिलेगी। इसके अलावा हम विभिन्न चौराहों पर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं जिससे आम जनता को पता चले, वो भी इस यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हो सके। तो इसी यही हमारा मकसद है। अगर इसमें से जैसे आप लोग बैठे हैं, इसमें से आप 10 लोगों को भी अगर इससे कुछ सुधार होता है, आप प्रायः देखते हैं सड़क में अगर 20 लोग हेलमेट लगा के चल रहे हैं और एक नहीं लगा के चल रहा है, तो जो नहीं लगा के चल रहा है स्वयं भी अपने आप को हार्मोन महसूस करता है। अपने मोबाइलों को बड़ी बड़ा ही मान तो देते हैं, उस पर जो है स्क्रीन गार्ड करवा देते हैं, टूटे भी न पाए खुलने न पाए। लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो हमने कई बार देखा है कि 3 लोग बैठे चले जा रहे हैं, कहीं तो जाना कहीं भी हो तो घटना कहीं भी हो सकती है, और हेलमेट नहीं लगाए करे नहीं तो जाना है। बगल में ही बस सब्जी लेने जा रहे थे तो ऐसा नहीं सब्जी लेने में भी दुर्घटना हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद हम बड़े हुए बहुत ढेर सारी गलतियां करती हैं। शायद उस समय जब हम स्टूडेंट लाइफ थी तो इस तरह के कोई जागरूक कार्यक्रम या कोई बताने वाला नहीं था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, सड़क पर कैसे उनको जागरूक रहना है। लगातार बहुत सारे समय में बदल चुका है, जरूरत है जो हमने गलती की वो आप बच्चे ना करें। और जिनको हमने सुना, मैं समझता हूँ आधे लोग तो जानते भी होंगे, आधे लोग नहीं जानते होंगे जो हमारे बच्चे हैं।